Hello everyone, good morning to all. Myself Chandan Kumar, Branch Electrical Engineering of Government Polytechnic Gaya. And I am going to present my lecture which is on the topic of Bernoulli equation. तो आज हम लोग बर्नौली इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बर्नौली इक्वेशन के में पढ़ते हैं हम लोग नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. बर्नौली इक्वेशन को क्या कहते हैं? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर होता क्या है? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट सेटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग. अगर इसमें से ये चार पॉइंट में से अगर एक पॉइंट को भी सेटिस्फाइड कर दे तब हम उसको कह सकते हैं कि क्या चाहिए, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सबसे पहले पहला पॉइंट को देखते हैं. तो इट्स डिग्री इज मोर देन वन. अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है उसका अगर डिग्री क्या हो, अगर एक से ज़्यादा हो तो हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. दूसरा पॉइंट है एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशियंट हैज एक्सपोनेंट मोर देन वन. अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका एक्सपोनेंट अगर मोर देन वन है, एक से ज़्यादा अगर उसका एक्सपोनेंट है, तो हम कह सकते हैं को कौन सा इक्वेशन है, नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया, एग्जांपल वन एंड एग्जांपल टू. तो सबसे पहले जानेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है. तो यहाँ पे दिखाया गया है डेरिवेटिव है जो डबल डिफरेंशिएशन है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एस टू. तो इसका अगर हम एक्सपोनेंट देखें तो इसका एक्सपोनेंट वन है. एक्सपोनेंट को पावर भी हम बोल सकते हैं. इसका एक्सपोनेंट कितना है, वन है. तो अगर इसका एक्सपोनेंट मोर देन वन होगा तो हम कह सकते हैं कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. उसके बाद सी पॉइंट में आया कि एक्सपोनेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन वन. अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सपोनेंट अगर मोर देन वन हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो वाई को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. जैसा एग्जांपल में देख सकते हैं कि वाई का जो एक्सपोनेंट है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका दो है. तो अगर मोर देन वन अगर इसका एक्सपोनेंट होगा तो हम कह सकते हैं कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. डी पॉइंट में आया है कि प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इस डिफरेंशियल कोफिशियंट आर प्रेजेंट. जैसा कि एग्जांपल दो में देख सकते हैं कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है और इसका जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, वो दोनों का ची में प्रोडक्ट में. तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा इक्वेशन है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिया गया. एग्जाम्पल वन में क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एस टू प्लस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. अगर इसका हम डिग्री की बात करें तो डिग्री इसका कितना है, तो डिग्री इसका वन है. अगर एक्सपोनेंट की बात करें तो एक्सपोनेंट भी कितना है, इसका वन ही एक्सपोनेंट है. अब बाई का अगर एक्सपोनेंट देखें, सबसे पहले ये चार कंडीशन में एक एक कंडीशन को देखते हैं. अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो पहला चलते हैं कि इट्स डिग्री इज मोर देन वन. इसका डिग्री एक से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका डिग्री कितना है, वन है. यानी कि पहला कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो दूसरा कंडीशन देखते हैं. तो एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशियंट हैज एक्सपोनेंट मोर देन वन. इसका डिफरेंशियल एक्सपोनेंट अगर मोर देन वन होगा तो ये नॉन लीनियर होगा. लेकिन इसका भी एक्सपोनेंट देख रहे हैं तो इसका एक्सपोनेंट भी कितना, वन है. यानी कि ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा. सी में देखते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन वन. डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सपोनेंट अगर मोर देन वन होता है तो हम कह सकते हैं कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पर देख सकते हैं कि वाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका एक्सपोनेंट कितना है, दो है. तो एक्सपोनेंट ऑफ वाई कितना है, दो है. यानी कि ये सेटिस्फाइड कर गया कि क्या चाहिए है, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. वही दूसरे एग्जांपल की तरफ चले हैं. तो पहला पॉइंट को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, क्योंकि कह रहा है कि डिग्री इज मोर देन वन, लेकिन डिग्री इसका भी कितना है, वन ही डिग्री है. और इसका बी ने क्या चीज किया हुआ है, इसका एक्सपोनेंट, तो इसका एक्सपोनेंट में कितना, वन है. सी पॉइंट में है एक्सपोनेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन वन. तो डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सपोनेंट कितना है, इसमें एक है. यानी कि ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा. तो चौथा पॉइंट देखते हैं. प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशियंट आर प्रेजेंट. तो देखते हैं कि इसका डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डिफरेंशियल कोफिशियंट दोनों प्रेजेंट है. यानी कि हम कह सकते हैं चौथा पॉइंट को क्या चीज किया, सेटिस्फाइड किया. यानी कि ये भी क्या चाहिए, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. चलिए अब हम लोग देखते हैं बर्नौली इक्वेशन का, बर्नौली इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन कब तक कह सकते हैं, तो जब इस फॉर्म में, चाहे तो इस फॉर्म में हो या फिर इस फॉर्म में. तो देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई का पावर एन. या फिर इस फॉर्म में भी रह सकता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई
प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू इन टू एक्स टू दी पावर एन, जहाँ पे पी और क्यू जो है या फिर कांस्टेंट हो सकता है या फिर फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है। तो ये जो पी एंड क्यू है वो फंक्शन ऑफ एक्स ओनली होगा, ये वाई का फंक्शन नहीं होगा, सिर्फ एक्स का ही फंक्शन होगा। जहाँ पर ये जो पावर दिया हुआ है वाई का, वाई टू दी पावर एन एंड एक्स टू दी पावर एन, इसका जो पावर है एक्सपोनेंट है, तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो जीरो या फिर वन नहीं होना चाहिए, तब हम इसको कह सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसका देखते हैं वर्किंग रूल, इसका वर्किंग रूल क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो वर्किंग रूल में स्टेप फर्स्ट में है कि पुट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ तो सबसे पहले उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म, चाहे तो अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में चेंज करेंगे, अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में चेंज करेंगे। यानी कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको पहले ये वाला फॉर्म या फिर ये वाला फॉर्म में उसको कैसे करना, कन्वर्ट कर देना, चेंज कर देना। स्टेप टू में डिवाइड बोथ साइड बाई वाई टू दी पावर एन, और दोनों तरफ एल एच एस साइड और आर एच एस साइड दोनों तरफ कैसे करेंगे, वाई टू दी पावर एन से कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों ही साइड में। स्टेप थ्री में है पुट वाई इज इक्वल टू वन माइनस एन इज इक्वल टू वी, उसके बाद हम लोग पुट करेंगे वाई के पावर वन माइनस एन इज इक्वल टू वी एंड गेट लीनियर इक्वेशन इन वी। इसको सबसे पहले इतना बराबर हम लोग वी मान लेंगे, और इतना बराबर वी मानने के बाद एक लीनियर इक्वेशन हमको वी के फॉर्म में मिल जाएगा, किसके फॉर्म में मिल जाएगा, तो वी के फॉर्म में मिल जाएगा। उसके बाद स्टेप फोर में क्या कर रहा है कि सॉल्व लीनियर इक्वेशन एज यूजुअल, जिस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे उसी प्रकार इसको भी अब सॉल्व करेंगे जब ये वी के फॉर्म में बदल जाएगा। तो वी के फॉर्म में बदलने के बाद हम इसको लीनियर, जिस तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे उस तरह करेंगे, और वी इज इक्वल टू लास्ट में जब हमारा जो आंसर आएगा उसमें वी इज इक्वल टू वाई टू दी पावर वन माइनस एन कर देंगे हमारा डिजायर सोल्यूशन के लिए, जो हमको सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन तो हमको वाई के फॉर्म में लाना था और अभी तक सोल्यूशन वी के फॉर्म में था, तो लास्ट में क्या करेंगे, तो वी इज इक्वल टू वाई टू दी पावर वन माइनस एन धर देंगे इसका वैल्यू। चलिए हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे, जब इसको पहचान लेंगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद इसका वर्किंग रूल क्या होगा। अब एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू वाई का पावर सिक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो वर्किंग रूल में सबसे पहला था कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। पहले लिख देते द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन गिवन है पहले उसको हम लिख लेते हैं, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू इंटू वाई टू दी पावर सिक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो क्या करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या जी करेंगे, यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई है तो क्या जी करेंगे, साथ में एक्स से डिवाइड कर लेते हैं टोटल टर्म में। तो ऑन डिवाइडिंग बाई एक्स इन ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में क्या जी करेंगे, एक से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से एक से डिवाइड होगा तो यहाँ बचेगा डिवाइड बाई डी एक्स माइनस, ये एक्स से होगा डिवाइड तो एक एक्स कट जाएगा, तो बनेगा एक्स स्क्वायर वाई सिक्स प्लस, ये एक से डिवाइड होगा तो वाई बाई एक्स होगा, अगर जीरो में करेंगे एक से डिवाइड तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी क्या हो गया, चेंज हो गया। इसके बाद दूसरा में क्या था, तो दूसरा में था कि हमको मान लिया था वाई के पावर एन, सॉरी दोनों तरफ का जी करना था, वाई के पावर एन से दोनों तरफ डिवाइड करना था, तो वाई के पावर एन, तो सबसे पहले अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं चेंज हुआ है, अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इसको प्लस वाई वाई एक्स इज इक्वल टू, इधर माइनस में थोड़ा जाकर प्लस हो जाएगा, एक्स टू दी पावर सिक्स वाई टू दी पावर सिक्स, अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना चेंज हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, वर्किंग रूल में क्या था कि y टू दी पावर n से दोनों तरफ का जी करना डिवाइड कर देना, तो यहाँ पे y टू दी पावर कितना है सिक्स, यानी कि y टू दी पावर सिक्स में दोनों तरफ का जी करना डिवाइड करना, तो दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं
on dividing both sides by y to the power 6, दोनों तरफ y to the power 6 से कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे. जब दोनों तरफ y to the power x से क्या चीज किए, डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड करने के बाद इतना आया, तो फाइनली लिख लेते हैं 1 by y to the power 6 into dy by dx प्लस, एक y से एक y कट जाएगा तो बचेगा 1 by x into y to the power 5 is equal to, इससे ये कट जाएगा तो x square हो जाएगा. इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट. इसके बाद क्या था, तो इसके बाद था वर्किंग रूल में कि y टू दी पावर 1 माइनस n को क्या माना था, v माना था, तो n के जगह पे यहाँ पे कितना, तो n के जगह पे कितना था 6 था, यानी कि y टू दी पावर 1 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना मानना पड़ेगा, v मानना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 5 इज इक्वल टू v. अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में क्या चीज करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो क्या होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स. तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा माइनस फाइव वाई टू दी पावर माइनस फाइव माइनस वन इंटू, और वाई को करेंगे y के पावर इतना कर देंगे और फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा dy by dx is equal to dv by dx. अब इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो माइनस फाइव y टू द पावर माइनस सिक्स इंटू dy by dx is equal to dv by dx. तो ये माइनस फाइव को वो साइड भेज देंगे तो क्या होगा, इसको लीजिए 1 बटा y का पावर 6 इंटू dy by dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तो माइनस वन बाई फाइव बन जाएगा इंटू डी वी बाई डी एक्स. इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से हम क्या कर सकते हैं कि वन बाई वाई के पावर सिक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर भी दोनों एल एच एस सेम है तो दोनों आर एच एस क्या हो जाएगा, सॉरी इसका वैल्यू कैसे करेंगे, वन बाई वाई के पावर सिक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू किसमें, इसमें पुट कर देते हैं. तो चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या करेंगे वन बाई वाई के पावर सिक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू बता सकते हैं माइनस वन बाई फाइव इंटू डी वी बाई डी एक्स इसको प्लस वन बाई एक्स इंटू वाई के पावर फाइव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है वन बाई एक्स इंटू वाई के पावर फाइव, तो यहाँ से वाई के पावर फाइव को अगर ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा वाई के पावर माइनस फाइव, और वाई के पावर माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या था, वी था. तो इसको लिख सकते हैं माइनस वन बाई फाइव इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वन बाई, इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब यहाँ से जब चलेंगे तो सॉरी ये भी ऊपर चल जाएगा, भी ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर से माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, तो ये बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स माइनस वन बाई फाइव पे फाइव से सब में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें फाइव से करेंगे तो ये माइनस वन, और माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस. अगर इसमें क्या चीज़ करते हैं फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा फाइव इंटू वी बाई एक्स इज इक्वल टू, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर. अब ये क्या हो गया, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया. अब इसको कितना मान लेंगे, इसको इक्वेशन मान लेते हैं एक दो, तो इसका इक्वेशन तीन मान लेते. अब जिस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे उसी तरह नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चीज करते थे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते थे. तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर से किसका वैल्यू पी, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस फाइव पाई एक्स हो जाएगा,
और क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्यू का वैल्यू हो जाएगा माइनस फाइव एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन जब फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू क्या चाहिए होता था, ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ पी का वैल्यू कितना, माइनस फाइव बाई एक्स डी एक्स। माइनस फाइव को बाहर करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स। यहाँ पर से इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फाइव, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो लिख देंगे इसको लॉग एक्स। अब यहाँ पर से e के पावर माइनस फाइव लॉग है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स के पावर माइनस फाइव। तो e के पावर लॉग का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। e के पावर लॉग एक्स का पावर कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो e के पावर लॉग का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू एक्स के पावर माइनस फाइव, यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर निकल गया कितना, एक्स के पावर माइनस फाइव। अब इक्वेशन थ्री को सॉल्व करते हैं, डी वी बाई डी एक्स। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री को सॉल्व करने पर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वी इंटू एक्स के पावर माइनस फाइव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फाइव एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर माइनस फाइव डी एक्स प्लस सी। माफी चाहूँगा थोड़ा सा इनका जो क्वालिटी है वो खराब हो चुका है, अभी सही से उग नहीं रहा। यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर निकाले तो एक्स के पावर माइनस फाइव आ गया था इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इक्वेशन थ्री से अगर चले तो लीनियर इक्वेशन में पढ़े थे कि वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज y into p is equal to q into integration factor plus c होता था। तो यहाँ पे v के फॉर्म में, y के फॉर्म में नहीं है, तो v के फॉर्म में बना लें v into x के पावर माइनस फाइव इज इक्वल टू, इसमें से माइनस फाइव को बाहर कर देंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। भी इसको लिख सकते हैं x के पावर फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव, इसको इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, माइनस थ्री प्लस वन बाई माइनस थ्री प्लस वन प्लस सी। बी बाई एक्स के पावर फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स के पावर माइनस टू बाई माइनस टू प्लस सी। बी के इंटू एक्स के पावर फाइव इज इक्वल माइनस माइनस कर जाएगा फाइव बाई टू, इसको नीचे लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा इक्वेशन हो गया। लेकिन हमको भी ये इक्वेशन भी के फॉर्म में है, लेकिन भी के फॉर्म में हमको नहीं लाना, हमको लाना वाई के फॉर्म में। हम माने थे वाई के पावर माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या था, भी था। तो यहाँ पर से भी क्या चीज हो जाएगा, वन बटा वाई के पावर फाइव हो जाएगा। तो भी के जगह पे सब चीज यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको मान लेते इक्वेशन फोर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ भी इन इक्वेशन फोर्थ में भी का वैल्यू पुट कर देंगे तो भी इज इक्वल टू क्या था, तो वन बाई भी का वैल्यू क्या चाहिए हो जाएगा, वाई के पावर फाइव इंटू एक्स के पावर फाइव इज इक्वल टू फाइव बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स के पावर फाइव से क्या चीज करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ बन जाएगा वन बाई वाई का पावर फाइव आ जाएगा इक्वल टू फाइव बाई टू एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स के पावर फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सी इंटू एक्स के पावर फाइव हो जाएगा। यहाँ पर से वन बटा वाई का पावर फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव बाई टू एक्स का पावर कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा प्लस, ये तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्स्टेंट है। तो ये हमारा फाइनली आंसर, दिस इज द रिक्वायर सल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन।